शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। पहली बार वो अपने मन का मांग रही है, जाने दीजिए ना उसे ट्रैक पर। अच्छा ठीक है, शर्मा जी, गुप्ता जी, इन सब के बच्चों की तरह हमारी काव्या भी ट्रैक पर जाएगी, पर हमारे साथ। आप फिक्र मत कीजिए, तो आपकी जिम्मेदारी रही मेरी बेटी। अगर आपने मुझ पर भरोसा रखा है तो आपका भरोसा टूटेगा नहीं। कम ऑन एवरीवन, लेट्स गो। शिवजी तुम्हें खुश रखे। काव्या, क्या तुमने करण सर के बारे में आंटी को? तुम सही कह रहे थे आयु, मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रही थी, पर देखना ट्रैक से लौटते ही मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी। चलो बैग दो। Yes, yes. बा, लगता है शिवजी भी चाहते हैं हम साथ रहे। आयु, एक्सक्यूज मी। Okay, all seated, let's go. चलते हैं। अरे क्या हो गया? ये कौन है? पर ये हमारे कॉलेज की स्टूडेंट तो नहीं लगती, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? Karan, I wanted to surprise you. You have, in fact. आप सब लोग सोच रहे होंगे ये ब्यूटीफुल लेडी है कौन? She is my fiance. पूर्वा चौहान। और कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी होने वाली है। लाओ, तुम्हारा बैग लाओ। काम हो जाएगा, करण ट्रैकिंग पॉइंट से जिंदा वापस नहीं आएगा।
ध्यान दिया आपने? कितनी छोटी छोटी और मामूली बातों पे खुश हो जाती है मेरी काव्या। उनमें से एक इच्छा थी ट्रैक पर जाना, अब वो भी भला पूरी ना करती तो क्या करती? देखा कैसी उदास हो गई थी वो, तो बस उसकी खुशी के लिए मैंने उसे हाँ कह दिया। पार्वती जी, देखिए हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, पर यकीन कीजिए हम जो कुछ भी कह रहे हैं वही सही है। अब हर वक्त तो हम उसके साथ नहीं रह सकते ना, बड़ी हो गई है वो। इतनी बड़ी भी नहीं हुई है जितना आप समझ रही हैं पार्वती जी। मैंने काव्या को आपके, हम उम्मीद करते हैं कि यदि कभी ऐसा मौका आया आप हमें निराश नहीं करेंगे। मैंने काव्या को उनके फैसले के खिलाफ जाने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिंदगी भर उसे इस बात का अफसोस रह जाए। और फिर आयुष्मान भी तो साथ में गया है और बाकी बच्चे भी तो होंगे वहां, वो भी करण सर की देखरेख में। काव्या के पापा जी, जी पहुंच गए आप? काव्या कहाँ है पार्वती जी? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? मैंने पूछा काव्या कहाँ है, जवाब दीजिए। वो तो कॉलेज गई है, क्लास में होगी ना, तो बस इसीलिए नहीं उठा रही होगी फोन। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? कॉलेज क्यों गई है वो? ट्रैकिंग कैंसिल हो गई क्या आज? नहीं, बाकी बच्चे तो गए हैं ट्रैक पर। वो कॉलेज का लाइब्रेरी तो खुला रहता है ना, तो बस वहीं गई है काव्या सेल्फ स्टडी के लिए। वहां बात करना अलाउड नहीं रहता ना, तो बस इसीलिए नहीं उठा रही होगी फोन। अच्छा अच्छा, देखिए पार्वती जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बातें भले ही आप लोगों को कठोर लगे लेकिन मैं जो भी कहता हूँ या जो भी फैसला लेता हूँ वो सब आप लोगों के हित में होता है। अब देखिए ना, मुझे लगा शायद काव्या उदास होगी, शायद रो रही होगी, और जब उनसे रहा नहीं गया तो मैंने कॉल कर लिया। पार्वती जी आप लोगों की खुशी ही तो मेरी असली पहचान है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए रखता हूं अभी, बाद में फोन करूंगा। अपनी बच्ची की खुशी के लिए झूठ बोला है भगवान, माफ कर देना मुझे। काव्या कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो आयु, मुझे घर जाना है। काव्या सब देख रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे जाने दो। और घर जाके क्या होगा? All okay? सर all fine।
फालतू में मैं अपने सपने के पीछे भाग रही थी आयु। जब से करण सर मिले मैंने राशिफल देखना बंद कर दिया। सोचा कि अब क्या फायदा राशिफल देखकर, मुझे तो मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया ना। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं आयु, एक बार भी नहीं सोचा कि करण सर और मेरा कोई मैच ही नहीं है। आयु, मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत में कौन है, लेकिन मुझे आज पता चला कि करण सर मेरी किस्मत में नहीं है। आयु, सर की सगाई पूर्वा के साथ हो चुकी, अब मैं क्या करूं आयु इस ट्रैक पे? काव्या, हमें वही मिलता है जो किस्मत में लिखा होता है। इसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं? और तुम तो ये बात बचपन से मानती हो ना, फिर आज तुम नहीं जानते हो आयु कि जब दिल टूटता है ना तो कैसा महसूस होता है, कितना दर्द होता है। मैं नहीं समझूंगा काव्या, जब से प्यार को समझा है ना, तुम्हारा ही सपना देखा है पर मेरा वो सपना मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। और तुम कहती हो दिल टूटने का दर्द मैं नहीं समझ पाऊंगा। अरे काव्या को क्या हुआ, सर में दर्द है क्या? मैं मेडिसिन दूं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। करण। हाँ? By the way, हम इन स्टूडेंट्स के साथ क्यों जा रहे हैं? मतलब हम अपनी कार से भी चल सकते थे और फिर स्टूडेंट्स को बेस पॉइंट पे मिल लेते। मुझे इन कॉलेज के बच्चों के साथ ही जाना था और वैसे भी तुम्हारा आना तो सरप्राइज था। अगर मैं इनके साथ जाऊंगा ना तो ये मुझे उनमें से एक समझेंगे, कॉलेज का ट्रस्टी नहीं बल्कि अपना दोस्त समझेंगे। देखा मैंने, कुछ लोगों से तो कुछ खास ही है तुम्हारी दोस्ती। एक्सक्यूज मी, किसकी बात कर रही हो? उसकी जो तुम्हारे साथ बैठी थी। उसका नाम काव्या है और वो मेरे पास नहीं, मैं उसके पास आके बैठ गया था, यही सीट खाली थी। ओके? कुछ चाहिए? नहीं सर। बैठो। कुंवर साहब, आगे आखिरी ढाबा आने वाला है, उसके बाद में खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। अच्छा, लिसन एवरीवन, अब जो ढाबा आएगा वो आखिरी ढाबा है और खाना यहीं पे खाना है, इसके बाद कोई ढाबा नहीं आएगा। ऑल राइट? एंड आई होप किसी अच्छे ढाबे में रुक रहे हैं हम। 5-star होटल तुम्हारे लिए। आखिरी पड़ाव ढाबा,
नाम से तो ऐसा लगता है कि इसके आगे इंसान की शव यात्रा ही निकलेगी। गाड़ी वहीं रखी है ना? बिल्कुल उसी जगह पे बड़े कुंवर साहब। बस 45 मिनट में हम ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। शाबाश। हेलो जी कुंवर साहब। कुंवर साहब तैयारी तो ऐसे की है कि कोई सपने में भी सोचेगा ना तो उसे ये मर्डर नहीं लगेगा। सबको ये लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ। सही है, शिकार को फंसाने की तैयारी तो पूरी हो चुकी है बुरे। और सुन, एक और काम करना है। जी कुंवर साहब। चाल बिछा दिया है, अब बस बड़ी मछली के फंसने का इंतजार है। चलो एवरीवन जल्दी जल्दी खा लो कुछ। आ जाओ गेट डाउन गेट डाउन। चलो काव्य कुछ खा के आते। नहीं मुझे भूख नहीं है। ठीक है फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम जाओ मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है मुझे ज्यादा वेट मत कराना। सुबह से कुछ नहीं खाया तुम्हारी वेट करते करते। कितना टैकी ढाबा है ये और इतना गंदा भी। हम कहीं और नहीं जा सकते थे? इतनी सुनसान जगह पर तुम्हें क्या 5-स्टार होटल का खाना चाहिए? अच्छा चलो ठीक, तुम्हारे साथ हूं ना तो ये गंदा ढाबा भी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। हे महादेव, आपके आशीर्वाद से करण सर के नाम की ये मंगनी की अंगूठी पहनकर मैं उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने जा रही हूँ। अब इस भाव और अंगूठी की गरिमा आपके हाथों में है। शिव जी, जिसके लिए मन्नत मांगी थी वो तो मेरा नहीं हो पाया, अब इस अंगूठी का क्या काम?
इतनी दुखी क्यों लग रही है? हेल्प! काव्या! करण सर! मेरे पैर में फंस गया, खींचो। मेरा सहारा लेकर आप उठने की कोशिश कीजिए। आराम से सर। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।